मन बुद्धि महिलाओं के लिए संचालित मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन की वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन गांधी गली स्थित मातृ छाया के परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह, निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी, श्वेता मिश्रा, शुभी पांडे, प्रियेश मालवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने विचित्र महिलाओं के साथ केक काटकर वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। इस दौरान संस्था के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा स्वस्थ होने के बाद दो महिलाओं को उनके परिजनों को सौंपा गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने नवनिर्मित शौचालय का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विचित्र महिलाओं और समाज से वंचित लोगों के लिए आगे आने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के निदेशक आलोक मणि त्रिपाठी और जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, इसी तरह से माननीय जिलाधिकारी के विजय पांडियन सर का आगमन हो चुका है और सभी से आग्रह है कि उनके आते ही जुड़कर तालियों से उनका स्वागत करें। उषा देवी वही महिला है जिन्हें अभिनंदन वंदन करती है, तो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर और मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन। इसी के जैसा कि आप देख रहे हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सिटी मजिस्ट्रेट सर। कार्य करने से पहले भगवान का नाम लेने कर प्रोग्राम की शुरुआत। संस्था के लिए कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, कोई सरकार पैसा नहीं देता, कोई स्कीम भी नहीं है। वैसे अभी हॉस्पिटल में बेच के थोड़ा बहुत दवाई हो सकता है, उसके बाद फिर घर की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे ऐसे जो हम देखे हैं, जो महिला कहीं कहीं तो इतने तेज रफ्तार दुनिया में कहीं छूट गई हो, कहीं भूल वजह रह गया हो, उनका क्या हालत में भटक भटक करके कहीं गोरखपुर आ गई। इस पर बहुत लोग, कहीं असम का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, हैदराबाद का है, कहीं कहीं भारत में किसी किसी कोने से जाने अनजाने में आ जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं ताकि ताकि अपने इतने वो नहीं है, जानकारी नहीं है कहाँ जाना है, कैसे करना है। एंड वो कहीं ना कहीं जो तब हम लोग शुरुआत में जनपद में आए थे, ये हम लोग को बहुत अजीब लगा था कि गोरखपुर का जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन होता था, यहाँ तो लाखों लोग जाते हैं आते हैं, ऐसे लोग कुछ रह जाते हैं यहाँ किसी न किसी वजह, उन लोगों को खाने तक का नहीं मिलता है। आपने देखे आपके सामने कैसे एक तरफ चमत्कारी काम हुआ है, चमत्कार का काम हुआ है, अब तक का 44 लोग यहाँ से ठीक होकर के घर चले गए, आज दो लोग आपके सामने ही जा रहे हैं, और एक साल के अंदर ये बिना ये टीम का असंभव है हमारे लिए। मैं ये टीम के लिए मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बिना उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाते।
ताकि आप देख रहे हैं ये तो मामूली काम नहीं है, ये कोई पैसा से करने वाले काम नहीं है। जो तब तक आदमी अपने परिवार सदस्य के रूप से इनको नहीं स्वीकार आएगा तो हो ही नहीं पाएगा। जो वैसे अम्मा का कहानी आपके सामने सुनाया गया है, वैसे मुश्किल से हम लोग को घर पे अम्मा का कुछ होता है तो कैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही किए हैं। तब ये एक साल के अंदर तो डॉक्टर साहब भी हमसे शायद सहमत होंगे, ताकि मानसिक बीमारी सही होने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, और ताकि बार बार कहीं रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, कि केवल दवाई से सही नहीं होता है, इसको सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, वो इन्हीं दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये संस्था एक साल में कितने मंजिल हासिल किए और आगे भी इसको करते रहें, हम लोग किसी न किसी रूप में ज़रूर सहयोग करते रहेंगे और इसको स्ट्रीमलाइन करा करके एक अच्छा संस्था के रूप से हम इसको स्थापित कराएंगे। ये गोरखपुर का गर्व आप लोग लाएं, ताकि वैसे महिला अर्धनंगे व्यवस्था में घूमती रहती है, इससे जो बड़ा मानव उसका हानि नहीं हो सकता है। जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ होता है, यानी जो हमारा साथी आदमी कहीं से कहीं किसी की वजह भटका हुआ है, उन्हीं के हम लोग सही नहीं कर पा रहे, तो फिर दुनिया में हम क्या करके क्या करने वाले हैं। अपने वाकई में करके दिखाया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आगे भी आप करते रहें, हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप जारी रखिएगा, और ये हौसला बुलंद हो और आपका काम भला हो। जय हिंद जय भारत। मनाए हैं इस एक साल में हमारा बड़ा संघर्ष का समय रहा, लेकिन सफलता ये रही कि आप सभी के आशीर्वाद और लगभग इस संस्था से 42 मानसिक विकसित महिलाएं आज के पहले तक जा चुकी हैं घर ठीक होकर के मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद, और 2 मानसिक विकसित महिलाएं आज भी जा रही हैं जिनका नाम शांति देवी है। सर मात्र छाया में गए थे वहाँ पे वार्षिक उत्सव भी था, महिलाओं की दिखाई हुई है। हाँ देखिए, मात्र छाया एक संस्था है, हम लोग मिला के चला रहे हैं, एक तरफ से जिला प्रशासन और यहाँ का जो वॉलंटियर्स और बाकी लोग मिला के चला रहे हैं। खासतौर पे जो मानसिक विकसित महिला यहाँ भटक के कहीं आ जाती है गोरखपुर में, किसी रेल के जरिए से, ट्रेन के जरिए से, किसी के जरिए से, उन्हीं के हम लोग सुरक्षित करा करके, रिहैबिलिट करा करके अपने अपने घर भेजते हैं। अब तक 44 महिला का हम लोग रिहैबिलिट करा के भेज चुके हैं, उसी के एक साल पूरा हो रहा है, उसका समारोह होता। हम तो सभी का प्रेरित भी किए थे ताकि ऐसी टाइप का महिला कहीं भी दिखाई पड़ती है तो ज़रूर सूचना दे दें, उनका ले आ करके इसी मातृ छाया में छोड़ दें, ताकि उसको इलाज करा करके, उपचार करा करके, उनका परिवार ढूंढ के हम लोग उनके घर पे भेज सकें।